हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फ्री स्टाइल सिंगापुर में 20 गेम्स लेकर आया हूं, जो कि टोटली ब्रेक टू फिनिश है। और फर्स्ट शॉट इन गेम्स में जो है मुझे मिला है, और आप जो है देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सुपर डुपर मार्वलस एंडिंग, ख़तरनाक आउटस्टैंडिंग गेम प्ले है। आई होप आप सबको जो है ये पैटर्न ब्रेक करने का जो ट्रिक है, इसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देखें और इन्जॉय करें। सो सिंगापुर में जो है जब भी आप खेलें, तो गाइस आई रिकमेंड के आप जो है हमेशा फ्लेयर पावर के साथ ओपन करके खेला करें, और रेड स्टाइगर के साथ खेला करें, तो उसमें आपको 90% चांसेस है कि आपको टर्न मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो देखिए मैंने पैटर्न ब्रेक किया, अभी टॉप राइट पे से हिट कर लेते हैं। थोड़ा सा बॉम्ब बनाकर मैंने मारा था, मगर पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आई हैव अ लॉट ऑफ चांस टू ब्रेक द पैटर्न बिकॉज आई हैव अ स्टाइगर। तो स्टाइगर आपके भाई के पास है, अभी आपने देखना है कि इसे मैंने बॉम्ब बनाकर हिट किया और बंच को रिलीज़ किया। तो अभी जो है इसे टॉप लेफ्ट में मैंने बारीक कट मार कर क्वीन के रास्ते को क्लियर किया है, और अभी टॉप राइट में वाइट पक को फेंकेंगे, ये भी जा चुकी है। तो गाइस अभी देखिएगा कि आपके भाई ने जो है ये जैसे ही पॉकेट की है, तो ओपोनेंट ने अपना नेट बंद कर लिया या गेम उसने लॉक कर दिया या उसकी कॉल आ गई है, आई डोंट नो, बट आई विल विन दिस मैच। ये मैच हम जीत चुके हैं, और नेक्स्ट मैच कनेक्ट करते हैं SM के साथ। हमारा मैच कनेक्ट हुआ है, इसमें ब्रेक मुझे मिली है। ये देखें बहुत किस तरह ब्रेक करना है, ये पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर फुल फोर्स के साथ अगर आप हिट करेंगे तो वाइट पक मेरी टॉप राइट पे पॉकेट हो गई है ओपोनेंट के बॉन्स के साथ लग के। ठीक हो गया, तो ओपोनेंट के फ्रेम के साथ लग के हमारी पक पॉकेट हो गई थी। अभी आपके भाई ने पूरा ब्रेक टू फिनिश मारना है। सिंगापुर इज़ द बेस्ट टेबल इन दिस गेम, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं सिंगापुर में जब मुझे शॉट मिलती है, तो आपका भाई पूरा ब्रेक टू फिनिश मार के जो है सांस देता है। ये देखें अच्छी विनिंग है इनकी, वर्ल्ड नंबर 5 है और कंट्री रैंक नंबर 1 है। तो ये भी गेम प्ले आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग देखें और इन्जॉय करें। और पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, ये ट्रिक आपने जो है ना ध्यान से देखना है। जब भी आप सिंगापुर में खेलें तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा गाइस, 20 मिनट की वीडियो, 21 मिनट की वीडियो है, और इसमें तकरीबन 20 मैचेस मैंने जो है अपलोड किए हैं, 20 मैचेस पूरे सिंगापुर में कनेक्टेड हुए हैं। और आपके भाई में इसने जो है तकरीबन 4 करोड़ कॉइन बना लिए थे इन 20 गेम्स में। तो गाइस दोस्त की कॉल आ गई थी बीच में, मैंने उसे कट कर दिया है। ये गेम हम जीत चुके हैं, नेक्स्ट गेम कनेक्ट करते हैं, और इसमें भी आपके भाई को सिंगापुर में देखे टर्न मिल रहा है। और ये पैटर्न देखे किस तरह ब्रेक करना है, स्लो फोर्स के साथ टॉप राइट में ब्लैक पग जो है इजीली हिट हो जाएंगे। ये देखिए फोर्स आपने बहुत बैलेंस के साथ मारनी है, ताकि आपको जो है नेक्स्ट शॉट में थोड़ा सा स्टाइगर की जगह मिल जाए और आप सेकंड पग को हिट करने वाले बन जाए। तो ये आपने बहुत बैलेंस और यूटिलाइजेशन के साथ पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर थोड़ी सी भी आपने गुंजाइश गलती की दे दी, ठीक है गाइस, मेरे फ्रेंड की कॉल आ रही है। चले जी, कॉल तो मैंने ड्रॉप कर दी है, गेम पे फोकस करते। ये देखिए मैंने चैट को बंद कर लिया है, और गाइस अभी सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, मगर हम बैलेंस के साथ जो है दोनों पग को टॉप राइट में टॉप लेफ्ट में हमने हिट किया है। तो गाइस आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों से करनी थी, वो ये है कि अगर आपकी आईडी 50 लेवल से अप है, तब आप फ्लेयर पावर ओपन करके खेलें, ठीक है। और अगर आपकी आईडी 50 से नीचे की है, तो आपने कभी भी 3 पावर्स लगा के नहीं खेलना, वरना आपके कॉइन्स लॉस हो जाएंगे।
उसमें हमेशा जो है ओपोनेंट को टर्न मिलता रहेगा और आपकी जितनी भी मेहनत है, जितनी भी एक साल की, दो साल की, या तीन साल की, या पाँच महीने की, या जितनी भी आपने मेहनत की भी होगी, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब आपकी आईडी 50 लेवल से नीचे है ना, तो आपने जो है सिंपल पावर के साथ और रेड स्टैगर के साथ सिंगापुर में मैच लगाना है। और अगर आपने फ्लेयर ओपन कर लिया या शूटिंग स्टार ओपन कर लिया या कोई और पावर, हाई पावर जो होती है, जो सेकंड लास्ट पे और सेकंड लास्ट थर्ड पर पावर है, अगर आपने उसे ओपन करके गेम प्ले खेला तो आपके पॉइंट लॉस हो जाएंगे, आपको शॉट बिल्कुल नहीं मिलेगी सिंगापुर में। तो सिंगापुर में शॉट लेने के लिए मैंने आपको मेथड पूरा डिटेल में बता दिया है कि 50 लेवल से कम वाले जो प्लेयर हैं वो जो है नॉर्मल आईडी के साथ जो है रेयर स्ट्राइकर के साथ और एपिक पग के साथ खेलें और पावर नॉर्मल रख के खेलें, और 50 से जिनका ऊपर लेवल है वो फ्लेयर पावर यूज़ करके खेल सकते हैं। एक दो मैच आपने जो है 400 वाला लगाना है सिंपल नॉर्मल टेबल में, और उसके बाद जो है आपने सिंगापुर में आना है। और गेम को गाइस बिल्कुल मिनिमाइज़ नहीं करें, मिनिमाइज़ का जो ट्रिक है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो आपके कॉइन्स लॉस हो सकते हैं, आपके कॉइन बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए आई एम इन डिटेल टीच यू द मेथड, ठीक हो गया, मेथड मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपने फॉलो करना है और फॉलो करके जो है इसी तरह गेम प्ले खेलना है और बहुत सारे कॉइन बनाकर एंजॉय करना है। जस्ट दिस इज़ द टाइम पास गेम, ये बहुत अच्छी गेम है जिसमें हम इजीली टाइम पास कर सकते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो अभी ये भी मैच हम जीत चुके हैं लेजेंड भाई के साथ, हमारा 2 करोड़ है सिंगापुर में, स्टूडियो टर्न मुझे मिलती जाएंगी गाइस, क्योंकि ये जो है मैं जिस मेथड के साथ मिनी क्लिप को फॉलो करते हुए खेल रहा हूँ, आपके भाई को ही टर्न मिलेगी। तो ये टर्न लेने का जो तरीका है ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया है, पहले आपने छोटा टेबल लगाना है और जैसे ही ओपोनेंट के पास फर्स्ट ब्रेक आए आपने लीव मार देना है, उसके बाद स्टैगर चेंज करना है, पक्स चेंज करनी है, पावर चेंज करनी है और चले जाना है जनाब सिंगापुर में। फ्री स्टाइल में आपने जाकर मैच कनेक्ट करना है और गाइस उसके बाद सुपर डुपर धमाका ब्लास्ट कर देना है आपने। सिंगापुर के जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो ये मेरी बात सुन लें, ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, आपने तो ब्लास्ट करना है, ब्लास्ट समझ लें ना आप तो गाइस आपने ब्लास्ट लाजमी करना है, वरना सिंगापुर में खेलते हुए ओपोनेंट आपको हरा के निकल लेगा, निकलने नहीं देना। 67 लेवल की मेरी आईडी है, खान के साथ मेरा मैच लगा, इसकी पैटर्न देखें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर इससे हमने क्रॉस राइट साइड से ब्रेक किया और हमारी पक चली गई है, ये लीव करके चले गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लीविंग इन सिंगापुर। नेक्स्ट सुनीतन कुमार के साथ हमारा मैच लगा है और इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रेक मुझे मिलता जा रहा है। गाइस अगर ये ट्रिक और टिप आपने फॉलो कर लिया तो आपके 100% चांस है आपको सिंगापुर में फ्री स्टाइल में पहली शॉट मिल सकती है और करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन कॉइन्स आप बना सकते हैं। तो गाइस गेम प्ले आपको जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ को डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे जितने भी भाई हैं उनको सपोर्ट मिले और वो भी कैरम जो है शौक और शौक से खेले। गाइस 2022 में जो है ये बहुत सुपर मैचेस हैं जिनमें मुझे सिंगापुर में टर्न मिला है और फर्स्ट टर्न की वजह से मैंने तकरीबन 6 करोड़ कॉइन बना लिए थे। तो 6 करोड़ कॉइन जब मैंने बनाकर अपनी दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र कर लिए और कुछ अपने दोस्तों वगैरह को दे दिए तो वो भी बहुत खुश हो गए कि एलन कैरम गेमिंग से हमें जो है कॉइन रिसीव हुआ है। तो गाइस मैं अपने जितने भी प्लेयर्स हैं ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बहुत इंजॉय वाली गेम है, आप देखें और आपको 100% इंजॉय मिलेगा। तो 2022 की ये सुपर जर्नी है
जिसमें सिंगापुर में तकरीबन 20 मैचेस मेरे अभी ये गेम में मैंने अपलोड किए हैं और तकरीबन 25 मैच जो है मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है वो बस मैंने अपलोड करनी है बनाकर। तो गाइस 45 मैचेस की वीडियो मेरे पास अभी अवेलेबल है जिसमें मैंने 4 करोड़ कॉइन बनाकर अपने दोस्तों में भी बांटे और गेम को खत्म जो है अपने पास भी रखे हुए हैं ताकि जब भी सिंगापुर में जब मैं हारता हूँ तो मुझे दुख नहीं होता गाइस, बस इस बात का दुख होता है कि हमें फर्स्ट ब्रेक मिलना चाहिए गाइस। जैसे फर्स्ट ब्रेक जिन्हें मिल जाता है तो हमें तो ब्लास्ट करना है ना, तो हमें गेम प्ले को जो है इग्नोर करके खेलना है, इसलिए बस थोड़ा सा दुख होता है कि गाइस सिंगापुर में ज़्यादातर जो लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी एलन कैरम गेमिंग पे और मैसेंजर पे, एक भाई हमें फर्स्ट टर्न नहीं मिलता, तो मैं हमेशा गाइडलाइन देता हूँ उनको और हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि भाई आप इस मेथड के साथ अगर खेलेंगे तो आपको फर्स्ट टर्न इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपको जवाब दूँ। और कैरम पूल के हवाले से कोई भी डिस्कस करनी हो तो मेरा फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का नाम है ए बी ब्रैंडियम के नाम से मेरी फेसबुक की आईडी बनी हुई है। तो मेरी सिस्टर का बेटा है, ब्रैंडियम नाम है उसका, तो उससे मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उस बच्चे से, तो उस वजह से उसके नाम की मैंने आईडी बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे जाकर एलन कैरम गेमिंग देखेंगे, वहाँ पर मेरी फेसबुक आईडी का लिंक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन के थ्रू मुझे सर्च करेंगे जस्ट आपने ए बी स्पेस देना है, बी आर ई एन डी आई ए एम, ए बी ब्रैंडियम लिखना है तो फेसबुक अकाउंट आपके सामने मेरा आ जाएगा, आप वहां जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां फ्रेंड रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई लाजमी से लाजमी करूंगा। ठीक है गाइस, ये पैटर्न देखें, ओपोनेंट ने शॉट मिस कर दिया और ये बहुत बैलेंस के साथ मैंने हिट कर दिया क्योंकि आई थिंक इन्हें ब्रेक करना नहीं आता था, इन्होंने अगर मेरी वीडियो देखी होती तो ये इजीली ये पैटर्न को ब्रेक कर लेते मगर इन्होंने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो डर डर के खेलते हैं सिंगापुर में, आई लव यू भैया प्लीज़, ये कह रहे हैं आई लव यू भैया प्लीज़, भाई अभी नहीं दे सकता ये मैच क्योंकि अभी जो है मैं बहुत फेयर मूड में खेल रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है तो इस वजह से जो है अभी नहीं दे सकता, फिर कभी आप सिंगापुर में मिलेंगे तो लाजमी आपको गिव अवे दूँगा और लेव करके जाऊँगा और आपके पॉइंट्स भी बना के जाऊँगा आपकी आईडी में। सो इस बार के लिए सॉरी मेरे भाई जलाम भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मोमेंट, अनदर टाइम आई विल लिव द मैच। ठीक है, जब भी लाइफ में कभी मैच लगा तो मैं लाजमी आपका मैच जो है लिव करूँगा, मैं ये हमेशा याद रखता हूँ कि जो बात मैं कहता हूँ मैं उससे पूरी भी करता हूँ, दिस इज़ रियल फैक्ट इन माई लाइफ। सो द वन आई एम हिटिंग इन रेड क्वीन इन टॉप राइट में ये पॉकेट हो गया, अभी कोई भी क्वीन मारकर हम जो है रेड को सेव कर लेंगे। ये देखिए गाइस, अभी ये गेम प्ले बहुत सिंपल था, इन्होंने ब्रेक मिस कर दी थी तो हमने पूरा पूरा फायदा उठाकर पूरा ब्रेक टू फिनिश मार दिया। तो नेक्स्ट गेम नबील खैरुल के साथ कनेक्ट हुए, उसमें भी गाइस देखे शॉट मुझे मिले और थोड़ा सा क्लोज शॉट मारेंगे इसको, ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं मारना वरना जो है ये पैटर्न जो है ये शॉट जो है मिस हो सकती है। तो बहुत बैलेंस के साथ हमने ये टॉप राइट पे हल्की फोर्स के साथ मारना और हमारी ब्लैक पर हिट हो गई है। अभी गाइस ये आप सिचुएशन आपके सामने, ये अब यहाँ तो लीव करके जाएंगे या तो वेट करेंगे कि हम ये बोर्ड को फिनिश करें, चलिए हम बोर्ड फिनिश करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके खेलते हैं।
और ताकि आपका भाई सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग 20 गेम प्ले जो है सिंगापुर के आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ भाई। आप लोग सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, हाँ यही अपन सब्सक्राइब चाहिए और शेयरिंग चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट मुझे चाहिए, तो जो आप कर देंगे तो ये मेरे लिए ऑनरेबल बात होगी। चले गाइस गेम पे फोकस करते हैं, इसे टॉप राइट पे फेंकते हैं ब्लैक को, बड़ी कट बना के मैंने मार दी है, ये चली गई है, और इसे टॉप लेफ्ट में हिट करते हैं, ये भी सक्सेसफुल हो गई, हिट हो गई है। और अभी थोड़ा सा क्वीन को स्लो फोर्स के साथ बहुत बैलेंस के साथ हिट करना होगा, तो अगर वाइट को टच हो जाती तो ये मिस हो जाती हमारी शॉट, तो ये हिट हो गई है। अभी हमने क्वीन को कवर करके ब्लैक पक मारनी है, तो हमारा क्वीन कवर हो जाएगा, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। अभी एक पक रह गई है और इसे वाइट पक को मार लेते हैं और गेम को फिनिश करते हैं। ये किस शॉट बना कर मारते कनेक्शन हिट हो गया टॉप राइट में, गेम हम जीत चुके हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट गेम की तरफ, ये लव अल्लाह के साथ गेम कनेक्ट हुआ है और मज़े की बात ये है कि इसमें भी शॉट मुझे मिला है। और आपका भाई ये पैटर्न किस तरह ब्रेक करता है आप देखें, ये देखें गाइस, ये बहुत मुश्किल शॉट थी मगर ये बारीक कट बनाकर जो मैंने लेफ्ट साइड से ब्रेक किया और मेरी वाइट पक जो है टॉप राइट में पॉकेट हो गई है। जब तक बी टेम जो है रिफ्रेश हो रहा था, तो रिफ्रेश होने की वजह से जो है मैंने हिट कर दिया बिना लाइन के, बिना उसके रिफ्रेशमेंट के बी टेम के, तो रिफ्रेश होने से पहले जनाब हमने हिट कर दिया, पक जा चुकी है। थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, ओपोनेंट की आई डी खोलते हैं और अपनी आईडी भी खोलते और साथ साथ ब्लिंक देखते हैं। ये नंबर वन पर है, हम नंबर टू पर हैं, इनकी विनिंग मुझसे ज़्यादा है और अच्छी है। चलें ये तो लीव करके चले गए, हमें पता था ये लीव कर देंगे क्योंकि पैटर्न तो ब्रेक मैंने कर लिया था और तकरीबन सारी पग जो है सिंपल खुली हुई थी। ये देखिए गाइस, ये तूफान टाइगर मैंने चेंज किया, सिंगापुर का टाइगर है और सिंगापुर के इस टाइगर से मैं खेल रहा हूँ माया तूफान, सॉरी ये माया है और मैंने सॉरी तूफान कह दिया, माया के साथ गेम प्ले कर रहा हूँ, ये भी सिंगापुर का टाइगर है गाइस। आपके भाई के माशाल्लाह सारे टाइगर ओपन हैं सिंगापुर के, तूफान भी ओपन है, माया भी आपके सामने ओपन है, फ्योनिक्स भी ओपन है, ट्रेस भी ओपन है और संतोष रेयर भी ओपन है और जितने भी 6-7 सिंगापुर के टाइगर्स हैं ना वो सारे मेरे ओपन हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, ये गाइस हमारी अचीवमेंट और हमारी मेहनत की वजह से सारे टाइगर ओपन हुए हुए और ऑलमोस्ट 1-2 महीने के अंदर ये मैच भी होने वाले हैं। जब मैच हो जाएंगे मैच की वीडियो भी अपलोड करेंगे ताकि आप लोग देखिएगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आए और आप अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले हों। सो गाइस इसमें भी देखें शॉट मुझे मिला, ये पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो चले हम इसे इनडायरेक्ट नहीं खेलते बल्कि इसे बैक मारकर 1-2 पक अपने पास बुला लेते हैं, उसके बाद धमाका करेंगे। बस मुझे लग रहा है धमाका करने के मूड में, इनसे शॉट मिस हो गया, गलत शॉट मारी थी इन्होंने तो लीव करके चले गए, उनको पता था अब तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो चलो लीव मार देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लीविंग, नेक्स्ट गेम कनेक्ट हुआ है, इसमें भी शॉट मुझे मिले गाइस। अगर किसी को फर्स्ट शॉट के हवाले से कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। इसमें भी देखिए गाइस शॉट मुझे मिला, वाओ सुपर्ब हो गया, इसका मतलब मिनी क्लिप हमारे से खुश हो गया, मिनी क्लिप ज़्यादा खुश है, इस वजह से हमने 4-5 करोड़ कॉइन बना लिए। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आ रहा है सिंगापुर जीत के, कि यकीन माने कि सिंगापुर में जब इंसान जीतता है ना तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि खुशी बहुत होती है, इतनी खुशी
इतनी खुशी होती है कि बस दिल करता है वो खेलते जाओ कॉइन्स बनाते जाओ और दोस्तों में शेयर करते जाओ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और कुछ कहा अभी से टॉप लेफ्ट में मैंने हरी कट बना कर मार दिया, डेट हो गई है। अब आपके सामने सिचुएशन है, जैसे बॉटम राइट में खेलेंगे और टॉप लेफ्ट में भी हमारी एक पॉइंट जो है कट बनाकर मैंने खेला तो वो भी चली गई, पॉकेट हो गई है। इससे भी बॉटम राइट पे कट बनाकर मारेंगे, थंब शॉट हिट हो गई है। और अभी ये देखें, इसे बॉम्ब बनाएंगे बॉटम लेफ्ट पर जो है, इसे मैंने ब्लैक पक को बॉम्ब बनाकर मारा, बंच को रिलीज किया। अभी बॉटम राइट पे अगेन मैंने मारा है और टॉप लेफ्ट में कट बनाकर जो है वाइट पक को हिट किया, ये भी हो गई है। एक पक रह गई है वाइट वाली जो 20 पॉइंट की है, इसे भी इनडायरेक्ट थोड़ा सा कनेक्शन बनाकर मारते हैं, टॉप लेफ्ट में ये भी हिट हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो गाइस अभी जो है लास्ट या सेकंड लास्ट मैच है, ये कनेक्ट करते हैं और ये फेरी शेक के साथ मेरा मैच कनेक्ट हुआ है। इनकी बहुत ज़बरदस्त टोटल विनिंग है और ये कंट्री टॉपर है और वर्ल्ड रैंक पे तकरीबन 126 नंबर पर है और कंट्री रैंक 87 आ रहा है, मगर लीडरशिप बोर्ड में ये कंट्री रैंक नंबर 1 पे आती है। तो इससे भी थोड़ा कनेक्शन बनाकर टॉप लेफ्ट में मैंने हिट किया, तो ये लीव करके चले गए। सो गाइस लास्ट मैच जो है ये कनेक्ट करते हैं गुड बाय ब्रो। सो ये हमारे लिए भी गुड बाय ब्रो है भाई, हम आपको भी कहते हैं गुड बाय ब्रो। बेस वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी।